बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। तो आज काफ़ी देर बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर वीडियोस आती रहेंगी। वो कुछ मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो आज जिस चीज़ की मैं वीडियो बनाने का जो मकसद है वो नेकी को फैलाना है, तो रमज़ान के महीने में। और आज जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आज 27वीं रात है लैलतुल कदर की, तो उस मुनासबत से मैंने कुछ आपसे बातें करनी थी। तो बैंगल टोन के बारे में भी इंशाल्लाह ताला आपको आने वाले दिनों में वीडियो मिलती रहेगी और अनबॉक्सिंग भी आती रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन की कुछ वजूहत थी और कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं जो हूँ वीडियो नहीं ला सका। तो कुछ मुझे बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि काफ़ी दूसरे ममालिक से, कि वो नोकिया N8 के बारे में और नोकिया N9 के बारे में। तो उसकी भी मैं क्लेरिफिकेशन की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी मुझे लोग दोस्त सारा पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ से लिया, कैसे लिया और कितने का आपने सेल करना। तो उसके बारे में भी मैं वीडियो आगे फर्दर इन फ्यूचर बनाऊंगा। तो आज जिस मकसद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने कहा कि चले आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी ये छोटी सी नेकी। तो मैंने आज कोशिश ये की कि मैंने कहा चले आज जो लोगों की खिदमत लोग आप लोगों के साथ शेयर करूं अपनी ये छोटी सी नेकी। तो मैंने आज कोशिश ये की कि मैंने कहा चले आज जो लोगों की खिदमत लोगों के गरीब लोगों के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन जो करना चाहता हूं मैं, वो भी मैं आपके साथ करूं। सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कोई अपनी शोशा नहीं मारने की मुझे ज़रूरत, जो अल्लाह से मैं हरदम तौबा करके कहता हूं कि इसमें कोई ऐसी मकबूल तकबराई बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने की कि आप लोग भी इस चीज़ को सोचें और अपनी अंदर ये चीज़ पैदा करें और लोगों की और जो आपके रिश्तेदार हैं उनका ख्याल रखें और जितने भी गरीब लोग हैं उनके साथ जितना भी आप दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा इसको खर्च करना है, गरीबों में खर्च करें। हमारा दीन इस्लाम जो है वो इस चीज़ का सिखाता है। हमारे नबी पाक सल्लम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की हमें टीचिंग दी है, इस चीज़ की हमें बताया है। हदीसों में भी आया कि आप जितना भी दे सकते हैं, अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो आप कम से कम 5 रुपये आप अल्लाह की राह में इसको करें, और इसके जो एवज जो आपको रिटर्न आएगा वो कुरान में इसका वाज़ेह तौर पर अल्लाह ने फरमाया कि कोई है जो मुझसे तजारत करे, तो जो भी अल्लाह से तजारत करेगा तो उसका नफ़ा और जो उसका जो प्रॉफिट होगा वो अल्लाह और उस बंदे के साथ ही डील होगी, तो आप उसकी अनगिनत उसका प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ में मोटिवेट आप लोगों को करने के लिए कि नेकी की तरफ आएँ और अल्लाह की राह में जो भी है, जो भी आपके करीब हैं, आपके हमसाए हैं, आपके दोस्त हैं, यार हैं, जितने भी हैं आप उन हैं, जो भी आपके करीब हैं, आपके हमसाए हैं, आपके दोस्त हैं, यार हैं, जितने भी हैं आप उनकी गरीब हैं, जो बेचारे इस लॉकडाउन में इतनी परेशानी में नहीं अपनी कर सकते, तो उनकी जितनी भी कर सकते हैं इमदाद करें और उनको जो भी जितना भी आपकी चादर है उसके मुताबिक आप करें। तो मज़ीद वीडियो आगे चलाने से पहले तो आप मेरे चैनल न्यू अराइवल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मैंने तो इस तरह है कि मैंने कुछ राशन वगैरह ख़रीदा और काफ़ी चीज़ें, कुछ तो हम मेरे भाई वगैरह भी जो बाहर वगैरह होते हैं उनकी भी कुछ रकूमात वगैरह मुझे वसूल हुई, तो वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन की। कुछ मैंने जितनी भी मेरे साथ मेरे जितनी पॉकेट है मैंने भी उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया, पैसे वगैरह पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं, और राशन भी कर रहा हूँ। और राशन के लिए देखें, मैंने वही बात की इस वीडियो में कि हमें मेरा इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि मोटिवेट करना, ठीक है, क्योंकि मुसलमान भाई है, ठीक है। तो अब ऐसा है कि क्योंकि हदीस मुबारका में आता है कि मोमिन तब तक मोमिन नहीं हो सकता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने फरमाया कि मुसलमान जब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो ही चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए करता है। तो इसी मुनासबत से देखें, हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। रमज़ान का महीना बड़ा बाबरकत महीना है, ये 27वीं रात है, अल्लाह से दुआ करें, तौबा करें और मेरे लिए भी दुआ करें, और वही चीज़ हमें अपने मुसलमान भाइयों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग, अब मैं नौज बिल्ला ये वो हो जाएगी, मैं वैसे ही जनरल बात कर रहा हूँ। कुछ होता है ऐसे कि जी अपने लिए अच्छी ले ली और दूसरों के लिए
जो है हमने उसको क्वालिटी वाइज नीचे ले ली, लोग कोशिश होती है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो जो चीज़ें ली हैं वो जहाँ से मैं शॉप करता हूँ बैरियर टाउन में लाहौर से, तो मैंने वहीं उनके लिए भी चीज़ें ली हैं। बेशक वो महंगी हैं, सस्ती हैं, आई डोंट केयर, हमने सिर्फ अल्लाह की राह में देना है, अल्लाह ताला इसको कबूल मंजूर करे। तो मैं उस स्टोर का नाम भी लेना पसंद करूँगा क्योंकि ताकि उससे आप लोगों को मोटिवेशन आपको मिले, आप मोटिवेट हों और आप भी इसी चीज़ को सोच के लोगों की हेल्प करें और अच्छी क्वालिटी और अच्छी नीयत से करें। देखिए जी, मैंने तो अलफतेह से, ये मेरे पास बैग्स पड़े हैं, मैंने बैग से अभी ये तो एक छोटा सा एम्प्टी है बैग, ये अलफतेह से ही, अब अलफतेह का नाम आप बड़े जानते होंगे, ये पूरे पाकिस्तान में इनकी ब्रांचेज हैं। तो अलफतेह से मैंने ये राशन वगैरह ख़रीदा, तो जिसमें मैंने ये देखे, और ये 5-6 पैकेट है, तो 6 कम से कम पैकेट है, जिसमें मैंने ये बिस्किट वगैरह देखे बच्चों के लिए, उनके लिए बिस्किट वगैरह भी खरीदे हैं। अभी 3-4 चीज़ें और इसमें ऐड करूँगा, पत्ती जो है, जो चाय की पत्ती वगैरह होती है वो, ठीक है, चीनी हो गई, दालें हो गई, घी हो गया, ये घी के पैकेट हैं, देखिए अच्छी क्वालिटी के, देखिए मिज़ान का और या कोई भी अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें हैं मैंने वहाँ से बाई की हैं। सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ही ये, चीज़ें मैंने वहाँ से बाई की हैं, सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ही ये है कि आप भी इसे मोटिवेट हों और अच्छी चीज़ अल्लाह के नाम में, देखिए अल्लाह अच्छी चीज़ देंगे, अल्लाह ताला आपको रिटर्न में पता नहीं क्या क्या इस चीज़ में आपको किस वजह किस किस और जगह से आपको रिटर्न आएगा। ये देखें जी, अच्छी क्वालिटी की ये दालें, चने की जो भी, ये काले चने और ये दाने वगैरह सब चीज़ें मैंने दी हैं। चीनी भी मैंने किलो किलो का पैकेट है, ठीक है जी, घी के पैकेट हैं, इसी तरह ही मैंने ये एक पैकेट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये दूसरा पैकेट, ये देखिए बहुत भारी है। और इनके साथ आप ये देखें, ये कंपनी जो सबसे बेस्ट कंपनी है इस वक्त पंजाब में, बल्कि पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में, जिनकी दालें भी महंगी हैं और अच्छी क्वालिटी की हैं, जो खाए भी, जो आपको दुआ भी तो दें ना, तो अल्लाह ताला भी खुश हों। तो हमें तो इस चीज़ को देखना है, हमने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है और अपने भाइयों के लिए जो भी हेल्प करनी तो वो उस काबिल करें कि जिससे अल्लाह ताला, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते इससे आपको क्या रिटर्न मिलेगा, आपको आपकी आपके शफात भी मिलेगी, आपको बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा, आपको हर आफत से अल्लाह ताला निकालेगा, हर आपका काम आसान होगा। आप इसको सच्ची नीयत से, साफ नीयत से करें। ये दालें वगैरह ये देखें, ये अलफतेह का नाम है वगैरह, ठीक है जी, ये देखें आप अलफतेह वगैरह का नाम है, ये चीनी पत्ती, ठीक है, चावल, ये राशन है, ये चावल मैंने लिए अलफतेह, ये सारा जो ये दो हैं इस इनमें असल में ना ये 4-5 पैकेट बनते हैं, ये काफ़ी भारी तो मिक्स हुआ हुआ सारा, तो इसको माँ ऐसा इसको अभी हम इसको मैनेज करेंगे बैठ के। तो ये देखें जी, ये भी अलफतेह, मैं पहले आपको नाम दिखा दूँ, वो येलो में था बैग, ये देखें जी अलफतेह। सर बताने का मकसद ये है कि हमें अच्छी क्वालिटी जो है ना वो देनी चाहिए अल्लाह की राह में, ताकि अल्लाह भी तो आपका इस चीज़ को, फिर कहते हैं जी हमारी दुआएं नहीं कबूल होती हैं हमारे, जब आप नीयत नहीं अपनी साफ रखेंगे ना तो फिर कोई काम नहीं होता, नीयत अपनी साफ रखें। ये अलफतेह ये देखें, ठीक है जी, इसमें भी ये देखें जी दूध के पैकेट, पूरा पूरा दूध के पैकेट है, ये काले चने, इसी तरह पत्ती वगैरह सब के लिए मैंने बना के ये राशन वगैरह बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें ये राशन कल मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा इंशाल्लाह ताला, शायद उसकी भी मैं वीडियो के साथ शेयर करूँगा। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को, हम लोगों को, मैं भी इसमें शामिल हूँ, देखें हमें भी, मुझे भी किसी से मोटिवेशन मिली है, ठीक है, और कि मुझे आपसे सल्लम की जो हदीस मुबारक पढ़ी है और मैंने भी सर्च किया, तो मुझे भी पता लगा कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि लो क्वालिटी की चीज़ें लेके हम गरीबों को दे दें और वो बेचारे वो जो है वो उसको इस्तेमाल भी ना कर सकें तो उसका फ़ायदा भी कोई ना हो। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, इस रात के सदके, लैलतुल क़द्र के सदके, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाएं। आप सब भाई जो मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला जो भी हैं, जो गैर मुस्लिम भी हैं, जो मुस्लिम भी हैं, उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन सबको, अजीम हस्ती हैं जो जब उनके घर में खाने को भी नहीं होता था, जब वो खाने के लिए बैठे भी होते थे दस्तरखान पर, जो जो कुछ भी होता था, कोई फ़कीर मांगने आता था तो आप उठ के वो अपना खाना भी उठा के दे देते थे, तो वो अब आप उनकी नीयत देखें, तो नीयत का भाव है, नीयत का सबको मिलता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप की नीयत साफ़ रखें,
बोझ कीना ये चीज़ें दिलों से निकालें, और अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करें, और मेरे लिए भी दुआ करें, मेरे बहन भाइयों के लिए दुआ करें, और मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा, बिल्कुल करूँगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं है इंशाल्लाह ताला। और मेरे चैनल न्यू अराइवल सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में नई वीडियोस मिलती रहे इंशाल्लाह। अब ये कल एक नई वीडियो भी आपके सामने मैं पेश करूँगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको वीडियोस भी इसमें डालता रहूँगा। कुछ थोड़ा सा ये हो गया है ये लॉकडाउन की वजह से, शुक्र है अल्लाह का कि लॉकडाउन थोड़ा सा खुल गया, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हल हुई है। तो इसके बारे में भी जिक्र करेंगे आगे, मज़ीद वीडियो में करेंगे, अनबॉक्सिंग भी आएगी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज़ भी आएंगी। तो आप जो है ना वो वीडियोस जो है ना वो मेरी देखते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और पूरी वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी दुआ है कि आप सब अपने घरों में हिफ्ज़-अमान में रहें, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं, आपको नए आने वाली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है जी। अपना बहुत सा ख्याल रखें।